हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे 25x25 की एक प्लानिंग के बारे में। इसका आप सबसे पहले तो एलिवेशन देख लीजिए। ये है हमारे पास एलिवेशन, सामने आपको चैनल गेट दिखाई देगा। अब एलिवेशन हम बाद में समझेंगे, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये 25x25 का प्लॉट है और बहुत ही शानदार इसमें प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी। चलिए सीधा चलते हैं हम और देखते हैं इसकी प्लानिंग हमारे पास किस तरह से हुई है। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये हमारा प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है। सामने साइड से हमारे को रोड मिलती है, यहाँ पर चैनल डोर मिलता है हमें, जो कि ये यहाँ पर बरांडा है हमारा, और स्टेयर जो है इधर साइड से अप हुई है, मतलब इतना नीचे का स्पेस भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा बरांडा, जिस पर हम पार्किंग वगैरह भी कर सकते हैं और हम अपने यूज में भी इसको ले सकते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो ये डोर है जो आता है हमारा ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का साइज है 10 फीट बाय 11 फीट 3 इंच, और यहाँ पर हमें एक विंडो मिलती है और एक विंडो वन है। ये साइज में आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, हालांकि कंडीशन अगर अलग रहती तब अलग भी देते हैं, लेकिन फिलहाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर सफिशियंट है। अब देखिए, यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें पिछले हिस्से में यहाँ पर एक बेडरूम मिलता है जो कि 11 फीट बाय 12 फीट का है। यहाँ पर दो विंडो मिलते हैं, विंडो वन और एक सिर्फ विंडो डोर है यहाँ पर D1। यहाँ पर हमें एक WC यानी कि टॉयलेट बाथ, लेट बाथ हो जाता है हमारा, ये 3 फीट बाय 3 फीट का मिलता है। हालांकि स्पेस कम है, इस कारण हमें कम जगह में ही इस तरह से सूटेबल तरीके से वर्क करना पड़ा। बाथ की बात करें तो 5 फीट 3 इंच बाय 4 फीट का साइज मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर एक डोर हो जाता है, यहाँ पर हमें किचन मिलता है और यहाँ पर स्टोर रूम। हालांकि बात करें तो सूटेबिलिटी के हिसाब से ये कम जगह होने के कारण हमें इस तरीके से देना पड़ा, नहीं तो लेट एंड बाथ के पास टॉयलेट देना यानी कि किचन देना उतना उचित और ठीक नहीं होता। लेकिन फिर भी जगह की कमी के कारण हमें इस हिसाब से देना पड़ा। किचन जो है इसका साइज है 6 फीट बाय 8 फीट का, और स्टोर 5 फीट 3 इंच बाय 3 फीट 6 इंच का। अगर इस हिसाब से हम साइज की बात करें तो आपको ये मिल जाता है यहाँ से यहाँ तक 25 फीट। देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक हमें 25 फीट मिलता है, जिसमें से पीछे साइड को छोड़ा गया है। ऐसा 23 फीट 6 इंच में हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है। विंडो के लिए हमने पीछे साइड से छोड़े हैं जगह। अगर हम बात करें इस पोर्शन की तो यहाँ से यहाँ तक 25 फीट है, यानी कि ये 25x25 में आपका 1 BHK है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक व्यक्ति इसमें रह सकते हैं। अगर हम इसके एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पर मैं दोनों पोर्शन आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर चैनल गेट यानी कि इस पोर्शन की बात हो जाती है हमारी, यहाँ से स्टेयर गई हुई है, यहाँ से हमारी यानी कि ये अंदर ढक जाएगा। ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टेयर जो निकली है उसके लिए हमें सनलाइट के लिए विंडो की जरूरत है, तो वो हमारी हो जाती है यहाँ पर विंडो, और ये पिंजरी या टावर आप इसको बोल सकते हैं जो कि स्टेयर के लिए है। यहाँ से बात करें हम तो कुछ इस तरीके से डिजाइन आएंगे हमारे। यहाँ पर हमारी एक विंडो आ जाती है जो कि यहाँ पर है, ये वाली विंडो हमारी यहाँ पर आ जाती है और ये अंदर साइड से प्लानिंग हो जाती है। हालांकि यहाँ पर प्लानिंग विशेष है, एलिवेशन का कोई ऐसा खास रोल नहीं है, इस कारण आपको प्लानिंग पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है ऑल पर सेट कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।